नमस्कार, मैं हूँ मंगल। वेलकम टू मंगल की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं, बिगनर के लिए है ये प्लेन राइस। कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। बहुत आसान है, लेकिन बिगनर के लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है ये। अगर वो बाहर रहते अकेले में और खाना बनाना पड़ेगा तो उन्हें उनके लिए ये आसान तरीका मैं बताऊँगी। तो आइए, इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और कैसे राइस बनाएंगे वो देखते हैं। लेकिन इसके पहले, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करेंगे आप तो मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मेरी रेसिपी को लाइक भी दीजिए, इन्हें शेयर भी ज़रूर कीजिए, यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। तो आइए बनाते हैं प्लेन राइस। प्लेन चावल बनाने के लिए हमें चाहिए चावल। ये मैंने कोलम लिया है, जो रेगुलर यूज़ करते हैं हम लोग। वैसे आपको जो पसंद है वैसे आप ले सकते हैं। यानी मैंने दो वाटी, यानी मैं इस वाटी से ले, ये वाटी का मेजरमेंट है मेरा, इस वाटी से लूँगी। मैंने दो वाटी लिया है। आप दो लोग खाने वाले हैं तो एक वाटी बहुत ज़्यादा है इसमें, कि एक वाटी चावल लेंगे आप और इसी तरह से आप राइस बनाएंगे। और 1/4 टीस्पून नमक लिया है मैंने इसमें, चावल में डालूँगी। आइए पहले चावल धो लेते हैं हम अच्छे से। मैंने कुकर का ये बर्तन लिया है जो हम कुकर में रखते हैं। इसमें एक वाटी इस तरह से हम लेंगे। दो लोगों के लिए ये एक वाटी इनफ होती है। दो लोग आदमी खाने वाले हैं चावल अगर, तो ये मैं चार लोगों के लिए बनाने वाली हूँ। इसे मैंने दो वाटी चावल लिए हैं मैंने। इसे हम पहले पानी डाल के अच्छी तरह से धो लेंगे। थोड़ा ज़्यादा पानी लेंगे इसमें ताकि चावल पूरे अच्छे से डूब जाए। ये बिगनर्स के लिए है इसलिए ये मैं डिटेल में बता रही हूँ। और इसे चावल को अच्छी तरह से इस तरह से थोड़ा रगड़ के हमें धोना है। पानी पूरा वाइट पानी नहीं रहना चाहिए इस तरह से। ये पाउडर लगी होती है इसमें चावल में, इसलिए ये पाउडर पूरी निकलनी चाहिए हमारी। इसलिए दो तीन बार इस पानी में ऐसे इसी तरह से हम अच्छे तरह से धो लेंगे। मैं चावल अच्छे तरह से धो लिए हमने, अब इसमें पानी डालेंगे राइस कुक करने के लिए। मैंने दो वाटी राइस लिया है तो मैं दो वाटी पानी लूँगी। और जितना चावल हम जितना वाटी चावल लेंगे उतनी वाटी पानी हमें डालना है, इसलिए मैं दो वाटी पानी डालूँगी इसमें। दो वाटी पानी और इसमें मैं ये जो नमक है हमने लिया है, नमक भी डालेंगे इसमें और इसे मिक्स कर लेंगे। आइए हम कुकर में रखते हैं हम टिन को। मैंने छोटा कुकर लिया है और इसमें मैंने ये जो रिंग है वो डाली है। इसमें मैं पानी डालूँगी। ये रिंग तक आने तक ही पानी डालना है हमें। हमने पानी डाल दिया इसमें और ये टिन अब मैं रखूँगी चावल का। और इसे हम तीन विसल निकालेंगे, और क्योंकि ये छोटा कुकर है तो इसमें विसल जल्दी निकलते हैं, इसलिए तीन विसल निकालूंगी। अगर आप बड़े कुकर में रख रहे हैं तो दो विसल में भी आपका चावल बन जाएगा। सिर्फ चावल है तो इसमें मैं ढक्कन लगाऊंगी। आप अच्छी तरह से बंद कर लेंगे और इसे हम ऑन करेंगे कुकर को, गैस को, और तीन विसल निकालेंगे हम। तीसरी विसल हो चुकी है, गैस ऑफ कर लेंगे हम। और अब इसे कुकर हमारा ठंडा होने तक, यानी प्रेशर रिलीज होने तक हम इसे रखेंगे। बाद में हम चावल पका हुआ राइस हम निकालेंगे। हमारा राइस रेडी है, अब हम ढक्कन निकालेंगे इसका। प्रेशर रिलीज हो चुका है, बहुत अच्छे से बना है ये। इसे देखते हैं हम फोक से साइड से निकालेंगे। देखिए बहुत अच्छे से निकला है ये, बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। आप इस तरह से बना के ज़रूर देखिए, आपका राइस बहुत अच्छे से बनेगा।
तैयार है हमारा प्लेन राइस, बहुत आसान है। मैंने बताया उस तरीके से आप करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ज़रूर बना के देखिए और आपके अनुभव ज़रूर मुझ तक शेयर कीजिए, यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। और मेरी रेसिपी को लाइक भी दीजिए, इन्हें शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बाजू में बेल आइकन है, उसे क्लिक करेंगे आप तो मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।